JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल होलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स भरपूर कलेक्शन मनपसंद डिजाइन सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स चंद्र मार्केट गांधी बालिका स्कूल के पास सुजानगढ़। कोई रामायण जरूर कोई दुकान खोलन दियो पुलिस प्रशासन सागे कोई दिक्कत कोनी ए आपते ही साबु निर्णय करे आपनो निर्णय आपनो काई समझाई सु मतलब है दुकान खोलो खोलिए दुकान दुकान खुले स्वाभिमान बेच के हम कुछ नहीं करेंगे। स्वाभिमान हमारा सबके ऊपर है। हम व्यापारियों के प्रतिनिधि है। आज व्यापारी मैं माना गया गाड़ी आज व्यापारी मानते थी ठेके और हकीकती हिम्मत को नहीं तुझे मुकाबलो करो माने बजमू व्यापारी को मैं भी तो बाजार में बैठा मैं ये नहीं कहता लेकिन वीडियो पर एकदम फुल इनको बढ़ा दिया किसने अतः तक की बात हुई मीटिंग हुई थी हमारी और हमने इनको यही कहा था कल हम व्यापार मंडलों के व्यापारियों से हम पूछ लेंगे और आपको कल शुक्रवार की शाम को कह देंगे और इन्होंने शनिवार बीतवार कहा था हम कहकर आपको बता देंगे लेकिन इनको ये सबर ही नहीं थी और वामंश में जाके मंच के ऊपर जाके कहते हैं कि ये फलाण जी अध्यक्ष है और ये गए थे हम इनके मिलने के लिए साइन कराने के इन्होंने ढूंढ ला दी ये दूसरे अध्यक्ष के पास गए थे उसने कहा मेरे मंत्री जी से साइन करवा लो तो मंत्री अध्यक्ष साइन वही करती है मंडलों की ये नहीं है कोई बाहर से आके करेगा और हमें ये चैलेंज ना भाई धन्यवाद हूँ बहुत साइन कराना हो तमको फर्ज बढ़ो के चला रहो हमारी बात मत करो मैं आया मैं हमारा व्यापारी भी आया मैं भी आया और मैं भी आया
बाकी कोई संघर्ष में कमी करी, मैं तो रात में बरसों ने कोई भी सड़क पर बैठा और झगड़ा में क्या अगर आप ये चाहते हो नहीं बनना चाहिए तो भाई सब काम करने भी कोई जरूरत नहीं जिलों पर शिक्षा प्रतिनिधि बनार खड़े हो गए तो मान मैं नहीं मैं इनकी बात अभी इनका मारू का गोलो गलती कोई आदमी हुआ है अभी मैं व्यापारियों का प्रतिनिधि हूं इसीलिए इनके खिलाफ नहीं बोलता अरे गाड़ी लगा दो व्यापारियों को और उसके बाद बाजार ढांग के जोर पे बंद कराते हो ना ना नहीं होगा मीटिंग आईडी है कुल मीटर बाजार मीटिंग कॉल होगी बाजार में खड़े एक फोन के बाद में व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी मांग व्यापारी बिना कुछ नहीं होता मैं माना इसी व्यापारी चाय की होटल कंट्रोल बदी है दस किलो तू मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरी दुकान अभी तक नहीं खुली है और जब तक बाजार बंद रहेगा तब तक मेरी दुकान स्वयं की दुकान बंद रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी खुद की दुकान खोल के बैठा हूँ और मैं बाकी को बंद करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जो दो शहर के घंटाघर चौक का दृश्य है और आज सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ जमा है, व्यापारी यहाँ पर जमा है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बार बार एकत्रित होकर एक जगह कोशिश की जा रही है स्थिति को समझने की। डबल
व्यापारियों के बार बार मीटिंग चल रही है। अरे भाई एक बार तारी खुलो है क्यों आपका सुनो एक बार तक खुलो रे आठ बजे एक ही जगह बारह कर एक बार ठीक है तो भाई एक राम जाने एक बार आठ रंग में बात करते हो अरे माइक अरे सुनो अरे माइक हेलो अब मैं बताता हूँ कल बाजार बंद रहेंगे परसों बाजार बंद रहेंगे ठीक है पर कल रहेंगे और परसों रहेंगे सोमवार से एक बजे बारह बजे के बाद व्यापार मंडल की कार्यकारिणी में सपोर्ट देने के वास्ते काल सुजानगढ़ बंद रहती पूरा व्यापार बंद रहती आज खुला रहती परसों बंद रहे परसों बंद रहती एक सेकंड आज बार की व्यापार खुला रहती और बिग बात सोमवार 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 सब्जी मंडी खुली रहेगी आनंद कोई गलत व्यापारी ने किया है क्षमा क्षमा याचना एक घंटा तक बात करी जाके मेहमान पूछ जाओ मुझे शुक्रवार को टाइम चलो 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 कोई बाजार बंद कराने का आज तो बड़े बड़े भाग्य बने डांग ला दी करी मैं एक लगे भरते शेयर पर सोचा आओ कोई दुकान पर देना पड़ा या बात के बाद एक निर्णय होना चाहिए सही है एक मिले सही है निर्णय एक होना चाहिए नहीं बाजार खोला दिखाने कौन बोला दिखाने आओ सादा सगड़ा व्यापार मिले एक मिनट का एक मिनट जोर बोल सुजानगढ़ का सगड़ा व्यापारी
बंद को समर्थन देने लग गया है। मैं अगर कल कोई भी तेरे को स्टेटमेंट दियो, मारो व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो, वो व्यक्तिगत स्टेटमेंट इसलिए हो क्योंकि छह दिनों घर को नहीं गयो। छह दिनों घर को नहीं गयो। मैं खुद छह दिन हूँ घर को नहीं गयो। मैं खुद व्यापारी हूँ। मेरा पिताजी दिन में फोन कर पूछे भाया तू घर कहना आयो और कहना गयो, ध्यान को नहीं तू कर रहे हो कहीं। मारे 3.5 साल की बच्ची है, 5 दिनों की तबीयत खराब है। मैं धरना पर बैठे हूँ, मैं भी दिखाने को नहीं जा सकूं। क्यों भाई, मारे एक लगे कितनी तकलीफ है, मारे एक लगे कहीं तकलीफ है। सुनो एक मिनट रुक जाओ। मैं सगड़ा रुको ने मैं सगड़ा की लड़ाई लड़ रहे हूँ। मेरी व्यक्तिगत अकेले की लड़ाई कोनी। काल गांधी चौक में जब मैं सगड़ा हूँ बंद को आह्वान करियो, के बाद में मार्केट 100 व्यापारियों का फोन आ गया, घंटा घर का रहे सारे का कि मैं स्वेच्छा हूँ बंद राक्षा। लेकिन कई लोग आज का बार थे देखियो भाई बे उस गए के बंद मारो स्टेटमेंट चौको को नहीं लागे उलो दोरो लागे उलो। देखो आवेश मारो बोल जावे, कोई भी बोल जावे, मारे एक लगो को नहीं, कोई भी बोल जावे। ए व्यापारी भी है जगह कई बार कस्टमर पर ऊपर चढ़ी जावे। सगड़ा की सगड़ा को मानवीय स्वभाव है भी कमाई ने कोई दोरो मानने तो टाबर हुआ को बाजार में बैठी हुई सारे दिन राम राम करू आगे दुकान का को अगर रोजीना नहीं खुलू। अब यहाँ सगड़ा व्यापारी समर्थन कर रहा है, व्यापार मंडल का अध्यक्ष समर्थन कर रहा है तो मैं सगड़ा को हाथ जोड़ स्वागत करूं पहली तो। और एक गांव छोटी सी रिक्वेस्ट और करूं कि आज गोवा 2 दिन तो गयो, आज गोवा 2 दिन और मार्केट पूरा अभी तक बंद है और आधे दिन में क्या बिगड़ना है। मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ और मैं आदेश देने वाला नहीं हूँ इस बाजार को। मैं ना तो कोई SDM हूँ, ना तहसीलदार हूँ, ना डिप्टी हूँ। मैं सगड़ा हूँ हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि आधो दिन गयो सगड़ा व्यापारी समर्थन के मायने। आज सुबह से ही बाजार खुलने और न खुलने को लेकर असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी रही। पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गया। लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, काफ़ी देर तक यहाँ पर बातें ठंडी और गर्म होती रही। CTCO DSP राम प्रताप जी बिश्नोई खुद मौके को यहाँ पर संभाले हुए थे। क्या कहेंगे सर, जो स्थितियाँ यहाँ पर सुबह से बनी हुई थी और प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव था, फिर क्या क्या स्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी असमंजस की? असमंजस की कुछ नहीं है, सीधा सा मैसेज है। अगर व्यापार मंडल और सब व्यापारी स्वेच्छा से बाजार बंद करे तो वो उनकी मर्जी है कि चाहे जितना दिन करे, पर कोई उनको डरा धमका के जोर जबरदस्ती या डंडे की नोक पे बाजार बंद करे वो हम कतई नहीं होने देंगे। उसको हम पुलिस सुरक्षा प्रदान करेंगे उस व्यापारी को। सुजानगढ़ बाजार खुलने को लेकर असमंजस कुछ दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही घंटाघर पर यहाँ पर व्यापारी नाराज नजर आए क्योंकि कल जो स्टेटमेंट स्टेज से दिया गया उसको लेकर व्यापारी नाराज नजर आ रहे थे और उसको लेकर काफ़ी देर तक बहस चलती रही। और उसके बाद में क्या कुछ तय हो पाया है वो मैं बातचीत करूंगा खुशीराम जी चांद्रा जो कि खाद्य किराना के आप अध्यक्ष हैं। बाजार आज खुला रहेगा और ये समिति बनी है तो कल शनिवार और इतवार बाजार बंद रहेगा। अच्छा। और उसके बाद में सोमवार को
एक बजे या 12 बजे से 8 बजे तक बाजार खुला रहेगा सदा के लिए। आज के लेकर क्या स्थिति? आज बाजार खुला है, एकदम खुला है, कोई बंद कराने नहीं आएगा, बाजार खुला है। आज सभी व्यापार मंडल के संगठनों द्वारा ये निर्णय हुआ है कभी आज बाजार खुला रहेगा और कल और परसों व्यापार मंडल की सहमति से बंद रहेगा और सोमवार को 1 बजे बाजार खुलेगा और शाम को 8 बजे बंद होगा सोमवार से। उसके बाद में जो भी व्यापार मंडल का निर्णय होता है वो अखरे हैं। जो लोग ये कहते हैं हम लठ के द्वारा बंद कराना चाहते हैं वो व्यापार मंडल कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जनहित में संस्था बनी हुई है, जनहित के लिए हमने 5 दिन व्यापार मंडल बंद किया था और हम व्यापार मंडल पूरा इन जन मोर्चे के साथ में हैं और साथ में रहेंगे। इस सुजानगढ़ जिले के लिए हम सभी लोग व्यापारी साथ में हैं। आज तक इतिहास है 5 दिन कंटिन्यूस व्यापार मंडल बंद नहीं हुआ। सिर्फ व्यापार मंडल अपने स्वेच्छा से सभी व्यापारियों ने बंद रखा और सहयोग किया। आने वाले टाइम में भी हम सुजानगढ़ हित के लिए सहयोग करते रहेंगे और करते रहेंगे। ये हमारा व्यापारियों द्वारा और सब्जी मंडी का ये तय हुआ है, सब्जी मंडी पूरे दिन खुली रहेगी, कोई प्रतिबंधन नहीं है। रिटेल भी अपनी बेचेगा सामान और होलसेल भी अपना सामान बेचेगा, ये इमरजेंसी सेवा में आती है। सुबह जो स्थिति बनी उसका क्या कारण रहा, क्योंकि खोल रहे थे कोई बंद कर रहे थे, ये स्थिति किस तरह से बनी? स्थिति बनी थी कल उन्होंने अपने उन्होंने मंच से व्यापारियों के अध्यक्षों के लिए जो भद्र भाषा व्यवहार किया था, इसीलिए व्यापारी के अध्यक्षों ने और व्यापारियों ने कल शाम को ये निर्णय लिया था कि हम कल बाजार खोलेंगे और इन्होंने ये हल्ला किया है और उसके बाद में हमारे बीच में सहमति बनी है, उसने माफ़ी मांग ली है व्यापारियों से और व्यापारियों के अध्यक्षों से कि आज के बाद में ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, इसीलिए हमने उनको माफ करते हुए उनके लिए हम शनिवार और द्वितवार बंद का निर्णय लिया है और पूरा पूर्णतः और आज बाजार खुलेंगे। वो भी अपना बच्चा है, वो भी एक व्यापारी है, कोई ऐसा कई बार भावुकता में गलत निर्णय हो जाता है, कोई खात में नहीं, अब वो भी हमारा व्यापारी है, हम भी उनके लिए क्षमा मांगते हैं, वो भी हमारा बच्चा है, ये कोई जरूरी नहीं कि वही माफी मांगे। परिवार है अपना, ये आज जो व्यापारियों का जो निर्णय हुआ है ये सभी व्यापारियों के व्यापार मंडलों के सहयोग से हुआ है। कल कुछ भाषा इस तरह की व्यवहार व्यापारियों के कारण उन्होंने ऐसी कुछ भाषा का भद्र भाषा का व्यवहार किया जिससे व्यापारी नाराज थे। बाकी ये जो आंदोलन चल रहा है ये सब व्यापारियों के सहयोग से ही चल रहा है और जो ये आंदोलन ने गति पकड़ी है ये सिर्फ व्यापारी के सहयोग के कारण ही यहाँ तक ये पहुँचा है और व्यापारी इस काम में हमेशा व्यापार साथ है, इसमें कोई व्यापारी को अलग नहीं है। जिले में व्यापारी को भी चाहिए, जिला आम नागरिक को भी चाहिए और इसी के लिए मार्केट में 5 दिन से बाजार बंद रखे हैं व्यापारियों ने और इन्होंने कल कुछ ऐसी बातें हो गई जिसके कारण व्यापारी थोड़े उग्र हो गए और आज व्यापारियों ने वापस ये निर्णय लिया है, उन्होंने ये गलती स्वीकार की भी है, मेरे से मुंह से गलत बात सब निकल गए थे, इसलिए व्यापारियों ने वापस इनको सहयोग दिया है। आज बाजार खुला रहेगा ये व्यापारियों ने तय किया, आज शुक्रवार को बाजार खुला रहेगा और कल शनिवार और रविवार 24 मार्च को बाजार खुले रहेंगे। आज 24 मार्च को बाजार खुले रहेंगे और 25 और 26 तारीख को सुजानगढ़ का पूरा मार्केट बंद रहेगा, ये सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है। पवन जी माहेश्वरी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो भी अध्यक्ष हैं आप कौन से एसोसिएशन के? किराना मर्चेंट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो किस बात को लेकर नाराजगियां बनी और फिर क्या तय क्या हुआ है? सुजानगढ़ जिला बने, ये सुजानगढ़ की जनता, सुजानगढ़ के व्यापारी सभी चाहते हैं कि सुजानगढ़ जिला बने और कोई भी आंदोलन लंबा चलाने के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें डेली मजदूर भी होता है, दाढ़ी मजदूर भी होता है, बड़ा व्यापारी भी होता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है और सबके हिसाब से सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आज जो निर्णय लिया है कि शुक्रवार आज बाज़ार खुला रहेगा, शनिवार और रविवार को बंद रहेगा, फिर उसके बाद में 1 से 7 रहेगा और उसके बाद में समय समय पर जैसे जैसे आंदोलन को जो चलाना है और उसकी समीक्षा की जाएगी कि कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और हमारी बात सरकार तक कैसे पहुंचे इस बात का निर्णय लिया जाएगा। आज ये खुला बंद का आज का असमंजस क्यों बना? ये कल जो मीटिंग हुई थी सिटी प्लाजा के अंदर में उन्होंने कहा था कि भई शनिवार रविवार बंद रखो, हमने कहा कि शुक्रवार को हमारे व्यापारियों से मिल करके हम बात करेंगे और फिर उन्होंने अचानक जाकर के गांधी चौक के अंदर में
और ये घोषणा कर दी कि कल से अनिश्चितकालीन बंद है, तो ऐसा नहीं चलता है। सबको साथ लेना पड़ता है, दाढ़ी मजदूर भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस वजह से ये जो है रेडी वाला, हाँ, इसके लिए इस वजह से। और फिर ये अब आज फाइनल हो गया है कि फाइनल, हाँ, आज खुला रहेगा और शनिवार रविवार बंद रहेगा, 26 को बंद रहेगा। और फिर उसके बाद में समीक्षा होती रहेगी कि किसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उसके हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। व्यापारियों के द्वारा लगातार यहां पर मीटिंग चली, काफी लंबी, असमंजस की स्थिति रही। अब इस असमंजस बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, थोड़ा परिचय बताएं पहले अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मेंढका है, सुजानगढ़ व्यापार मंडल का सेक्रेटरी हूं मैं। प्रदीप जी यहां है नहीं, इसलिए मेरे ऊपर चार्ज है। सबसे पहले बात यह है कि ये लोग जो भी हैं सुजानगढ़ जिला संघर्ष समिति, ये अकेले है नहीं, सारा व्यापार मंडल इनके साथ है। हमने कल दिन से सहयोग किया है, 5 दिन से हम सहयोग कर रहे हैं। आज इनकी भी बात रहनी चाहिए, हमारा स्वाभिमान भी रहना चाहिए। इसलिए बीच का रास्ता यही निकला है कि आज मार्केट खुलेंगे, कल और परसों बंद रहेंगे, और सोमवार से एक बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहेगा, और सब्जी मंडी पूर्णतया खुली रहेगी। बिल्कुल, अब इसमें कोई असमंजस नहीं है, कोई असमंजस की बात नहीं है। असमंजस की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात अब बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं, अब बाजार धीरे धीरे खुलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये तय हो चुका है कि आज बाज़ार खुले रहेंगे। तो अब दुकानें के शटर ऊंचे होने शुरू हो चुके हैं, बाज़ार खुलने शुरू हो चुके हैं। अब स्थितियाँ स्पष्ट हो चली है और ये बाज़ार खुलने शुरू हो चुके हैं, सुजानगढ़ के बाज़ार खुलने शुरू हो चुके हैं। व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी है। कल गांधी चौक में व्यापार मंडल आगे बाज़ार खोलने या न खोलने को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें कुछ स्टेटमेंट को लेकर नाराज़गी व्यापारियों में आज सुबह देखी गई, और ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि बाज़ार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। काफ़ी लंबी बातचीत व्यापारियों में और जो संघर्षरत जो कार्यकर्ता हैं जनहित संघर्ष मोर्चा, उनके बीच में बातें चलती रही, और अंत में ये तय हुआ कि आज 24 मार्च को शुक्रवार को बाज़ार खुले रहेंगे। कल 25 मार्च और 26 मार्च को बाज़ार है वो पूरी तरह से हर व्यापार मंडल बाज़ारों को बंद रखेगा। सोमवार से 1 बजे से लगभग बाज़ार खुलेंगे, और उसके बाद में समय समय पर समीक्षा करते हुए जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सुजानगढ़ जिला बनाने का जो आंदोलन है, हर व्यक्ति यहाँ सुजानगढ़ का व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग करके सुजानगढ़ जिला बनाने की मुहिम में सहयोग प्रदान कर रहा था, तो व्यापारी भी अपना प्रतिष्ठान बंद कर अपना रोज का नुकसान उठाकर यहाँ बाज़ार बंद कर रहे थे। और इस तरह से आज की ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, और बाज़ार मेरे पीछे आप देखेंगे खुलना शुरू हो चुके हैं। सुजानगढ़ के बाज़ारों घंटाघर से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।